नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जो हमारा एसडी कार्ड रहता है वो मोस्ट पॉपुलर स्टोरेज डिवाइस रहता है, क्योंकि हमारा जो मोबाइल रहता है उसमें भी एसडी कार्ड लगा रहता है। इसके साथ साथ जो हमारा कैमरा रहता है उसमें भी जो है एसडी कार्ड लगा रहता है। और जो हम कहीं पर जाते हैं घूमने के लिए जाते हैं या फिर कहीं शादी समारोह में कहीं ऐसे इवेंट में जाते हैं, तो वहाँ पर हम जो है फोटो क्लिक करते हैं, फोटो के साथ साथ वीडियो भी बनाते हैं, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि जो हमारी जो स्टोरेज डिवाइस रहता है, जैसे कि एसडी कार्ड हो गया, पेन ड्राइव हो गया, या फिर उसके साथ साथ जो रहता है एक्सटर्नल यूएसबी हार्ड ड्राइव हो गया, उसका जो डेटा रहता है वो गलती से या तो फॉर्मेट हो जाता है हमसे, या फिर गलती से डेटा जो है डिलीट हो जाता है, या फिर कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो डिवाइस रहता है, फिजिकल जो डिवाइस रहता है, वो हमारे कंप्यूटर के साथ जो है मतलब शो तो हो रहा है वहाँ पे, बट उसके अंदर जो डेटा है उसको हम जो है एक्सेस नहीं कर पाते, क्योंकि डेटा जो है वो करप्ट हो जाता है। तो कैसे आप जो है डिलीट हुआ डेटा, करप्टेड हुआ डेटा और फॉर्मेट हुई ड्राइव में जो डेटा था आपका, कैसे आप उसको रिकवर कर सकते हो, आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जो आपके हमेशा काम आएगा। जी हाँ दोस्तों, आप फ्री में iBoy जो सॉफ्टवेयर है डेटा रिकवरी का, उसके टूल के माध्यम से करप्टेड डेटा या फिर जो डिलीट हुआ डेटा, या फिर अगर गलती से आपकी ड्राइव जो है फॉर्मेट हो गई है उसमें जो डेटा था उसको आप जो है इजी आसानी से फ्री में रिकवर कर सकते हो। कैसे रिकवर कर सकते हो, जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूं वो सेम स्टेप फॉलो करके आप जो है रिकवर कर सकते हो। मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले जाकर दिखाऊंगा कहां से आपको जो है ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे जो है अपना डेटा रिकवर कर सकते हो, आपको जो है पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो iBoy सॉफ्टवेयर है डेटा रिकवरी का, जो सॉफ्टवेयर है सभी जो OS हैं, जैसे कि विंडो 7 लगा लो, विंडो 10 हो गया, विंडो 8 हो गया, और जो सर्वर्स रहते हैं 2003, 7, 2012 जितने भी सर्वर्स हैं, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं 7, 8, 10 सबको सपोर्ट करता है। इसके साथ साथ जो हमारी जो डिवाइस जो ड्राइव रहती है उसका जो पार्टीशन रहता है NTFS रहता है, FAT32 रहता है, उसको भी सपोर्ट करता है। इसके साथ साथ यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर की खास बात यह है कि आप इसको अपने मैक में भी यूज कर सकते हो, इसके साथ साथ विंडो में भी यूज कर सकते हो, यानी कि दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में iBoy जो सॉफ्टवेयर है डेटा रिकवरी टूल है उसको यूज कर सकते हो। चलिए बिना किसी देरी के कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और आपको दिखाता हूं कैसे आप जो है iBoy जो सॉफ्टवेयर है डेटा रिकवरी का, उसके माध्यम से कैसे डिलीटेड हुआ डेटा, करप्टेड हुआ डेटा को कैसे आप रिकवर कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है उस लिंक पर जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से जो है पेज ओपन हो जाएगा। यहां पे आपके सामने दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, फ्री डाउनलोड। यहां पे अगर आप विंडो यूज करते हो, विंडो OS है, तो यहां पर इस पर क्लिक करके जो है फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप मैक यूज करते हो तो यहां पे देखिए फ्री डाउनलोड मैक के लिए भी है। इसके अलावा यहां पे देख सकते हो रिकवर फोटो डॉक्यूमेंट्स वीडियो म्यूजिक एंड मोर, सपोर्टिंग हार्ड ड्राइव, यूएसबी ड्राइव, फ्लैश ड्राइव एंड मोर, और रिस्क फ्री, रिलायबल एंड इजी टू यूज। इसके साथ साथ यहां पे डेटा रिकवर में यहां पे बिट लॉकर डेटा रिकवर भी आप कर सकते हो, तो आपको काफी सारे जो है यहां पे फैसिलिटी मिल जाती है। यहाँ पे ऑल इन वन डेटा रिकवर ये सॉफ्टवेयर है, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पे चलिए मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, फ्री में डाउनलोड कर लेते हैं। इस पर मैंने क्लिक कर दिया है और यहाँ पे देखिए डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई, 4 MB से भी कम का ये जो है सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो गया है। अब मैं इस पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं रन कर दिया। रन करने के बाद उसके बाद यहाँ पे कुछ सेकंड के बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे आई एक्सेप्ट, और नेक्स्ट, और यहाँ पे नेक्स्ट, और यहाँ पे नेक्स्ट, और नेक्स्ट, और यहाँ पे इंस्टॉल, और कुछ सेकंड के बाद ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो इंस्टॉल हो गया, अब यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब यहाँ पे देखिए लॉन्च iBoy सॉफ्ट डेटा रिकवर फ्री, यहाँ पे जैसे फिनिश करेंगे तो ये लॉन्च हो जाएगा। बाकी इसका जो है मैं दिखा देता हूँ, डेस्कटॉप पे कुछ इस तरह से जो है आइकन बन के आ जाएगा, तो यहाँ से भी डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो। यहाँ पे देखिए डबल क्लिक किया, मैंने ओपन कर लिया iBoy सॉफ्ट डेटा रिकवर, लोडिंग कुछ सेकंड लेगा, और उसके बाद इसका जो होम पेज है, इंटरफेस है, आपके सामने किस तरह का आएगा। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से जो है इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे माई कंप्यूटर को ओपन करके सबसे पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए अभी कोई भी यूएसबी डिवाइस मैंने जो है कनेक्ट नहीं कर रखा, तो मैं चलिए पेन ड्राइव कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और पेन ड्राइव कनेक्ट करी उसके कुछ सेकंड के बाद यहाँ पे पेन ड्राइव आ गई है, ठीक है। इसमें मैं डेटा दिखा देता हूँ, यहाँ पे मेरा जो है ये डेटा है, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। यहाँ पे मैंने किया डिलीट, ठीक है, यहाँ पे डेटा डिलीट हो गया, दिस फोल्डर इज एम्प्टी, ठीक है। अब यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर को यहाँ से बंद करता हूँ, दोबारा से जो है ओपन करते हैं, और ओपन करके डेटा रिकवर करके मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे जो है कंप्यूटर के पार्टीशन है, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो पेन ड्राइव थी वो यहाँ पे आ गई है।
अब जिससे भी जो है आपको डेटा रिकवर करना है वो सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैंने जो ये पेन ड्राइव सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे देखिए डीप स्कैन का ऑप्शन है, यहाँ पे फाइंड मोर फाइल्स बट विल टेक मोर टाइम। अगर आप डीपली स्कैन करना चाहते हैं तो इस पर टिक कर दीजिए। तो यहाँ पर ये जो डीप स्कैन है इसको तभी यूज करना है अगर आप काफी पुरानी फाइल्स जो है अपना पुराना डेटा जो है रिकवर करना चाहते हो। तो चलिए यहाँ पे मैं पेन ड्राइव सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है और कुछ सेकंड के बाद यहाँ पे देखिए प्रोग्रेस स्टार्ट हो गया है और कुछ सेकंड के बाद जो आपका डेटा डिलीटेड रहता है वो यहाँ पे दिखा देगा। अब मैं यहाँ पे देखे जो हमने डेटा डिलीट किया था वो यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे मैंने जो है तीनों को जो है सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखे रिकवर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और ये आपसे पूछेगा कहाँ पर आपको सेव करना है। तो मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप और यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ डेटा। ठीक है, डेटा नेम दे दिया। अब मैं ओके कर देता हूँ तो देखिए द डेटा इज रिकवर्ड सक्सेसफुली। और अब यहाँ पे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पे डेटा सक्सेसफुली जो है रिकवर हो गया है। तो इस तरह से जो है आप अपना डेटा, करप्टेड डेटा या फिर गलती से फॉर्मेट हो गया, गलती से डिलीट हो गया या फिर आपका जो डिवाइस है यूएसबी स्टोरेज डिवाइस जो है आपके कंप्यूटर में शो तो कर रहा है बट जो है डेटा एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो इस तरह से जो है आप रिकवर कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए बाय नाउ का ऑप्शन है, तो यहाँ पे जो है प्राइस दिखा देगा कि कितने रुपए में जो है आप इस सॉफ्टवेयर को परचेज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड एडिशन, प्रोफेशनल एडिशन और यहाँ पे टेक्नीशियन एडिशन, यहाँ पे जो कि 5194 जो है एक पीसी के लिए, और यहाँ पे दो पीसी के लिए लेना तो यहाँ पे देखिए प्राइस इसका दिख जाएगा। पांच पीसी के लिए लेना है तो यहाँ पे इसका जो है प्राइस दिख जाएगा। तो ये सॉफ्टवेयर अगर आप फ्री में यूज करना चाहते हो तो मैंने जो स्टेप बताए वो यूज करके फ्री में यूज कर सकते हो। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो यहाँ से जो है इसको बाय भी कर सकते हो। और देखिए 14-day मनी बैक गारंटी आपको मिलती है, 100% सिक्योर है, इंस्टेंट डिलीवरी, प्रोफेशनल टैक्स सपोर्ट भी आपको मिलेगा। तो अगर आपके मन में कुछ डाउट्स है तो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन है उसका आंसर आपको जो है मिल जाएगा। तो दोस्तों आई बॉय जो सॉफ्टवेयर है डेटा रिकवरी का, उसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उस लिंक पर जाकर जो इसको आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने कंप्यूटर लैपटॉप में इंस्टॉल करके अगर आपका डेटा जो है डिलीट हो गया था या फिर आपके पेन ड्राइव में या एसडी कार्ड में या फिर मेमोरी कार्ड में या फिर एक्सटर्नल जो यूएसबी हार्ड ड्राइव है वो गलती से फॉर्मेट हो गई थी या फिर वो डिटेक्ट तो हो रही है बट उसमें जो आपका डेटा था वो एक्सेस आप नहीं कर पा रहे, तो कैसे आप जो है रिकवर कर सकते हो, जो मैंने स्टेप बताए वो सेम स्टेप आप फॉलो करके अपना डेटा रिकवर कर सकते हो। ये जानकारी, ये इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी, कैसे लगी कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताना और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस सॉफ्टवेयर का लिंक दिया है, एक बार जाइए और एक बार जो इसको जरूर ट्राई कीजिए और फिर मेरे को कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताना ये सॉफ्टवेयर आपको कैसा लगा। तो मैं प्रदीप शर्मा फिल्म में तो नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय, टेक केयर।